खेती भी घाटे का सौदा नहीं है बसरते उसे बिल्कुल व्यापारिक नजरिए से किया जाए और टेक्निकल तरीके से किया जाए जी जी ये नहीं कि अंधा कोई लागत लगा रहे हैं आप गन्ने में किस तरह का एक्स्ट्रा ओवर डोज दे रहे हैं आप तरीके से बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आप खेती कीजिए खेती घाटे का सौदा नहीं मुनाफे का सौदा है नमस्कार दोस्तों कैसे हो सारे भाई दोस्तों आज हम आए हैं धनौरा उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे सोमदत्त सैनी जी हैं पिछले तीन साल से गन्ने की नई वैरायटी पर काम कर रहे हैं और सच में यहाँ पे इनका गन्ना देख के जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत अच्छी उत्पादन है यहाँ पे ले रहे हैं गन्ने की ये वीडियो स्पेशल उन किसान भाइयों के लिए है जो गन्ने की खेती करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है अपनी खेती से उनको उनकी मेहनत भी रिटर्न नहीं हो पा रही है बीमारियों की वजह से या फिर बीज ना सही होने की वजह से तो चलिए फटाफट दिखाते हैं आपको इनका गन्ना फार्म और जानेंगे इनसे इन तीन नए वेरायटियों के बारे में नमस्कार भैया नमस्कार बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पर आज की वीडियो खास सुगर किन फार्मर्स के लिए है गन्ना किसान के लिए है जैसे कि हमारे जो फार्मर हैं काफ़ी टाइम से ट्रेडिशनल खेती में गन्ना जो है हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फर्स्ट प्रियोरिटी रहता है ठीक गेहूँ और गन्ना और आज आपने बताया था कि आपके पास नई वेरायटी हैं दो जो कि जिनका उत्पादन अच्छा है और जो बहुत अच्छा कर रही हैं अभी तो उन वेरायटी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए भैया हमारे पास नई वरायटियों में तेरह दो सौ पैंतीस जी पंद्रह जीरो तेईस और चौदह दो सौ एक नई वरायटियाँ हैं ये इन ये रोग रहित वैरायटी हैं अभी नई तेरह दो सौ पैंतीस शाहजहांपुर से रिलीज की हुई वैरायटी है और पंद्रह जीरो तेईस करनाल शोध संस्थान से रिलीज़ की हुई वैरायटी है और चौदह दो सौ एक लखनऊ शोध संस्थान से रिलीज की हुई वैरायटी है, है जी इन वेरायटियों में किस तरह का कोई रोग है रोग नहीं है ना इनमें कोई किस तरह का कोई बोरर है ना किस तरह का आ, कहना चाहिए पोखा बोइंग है बिल्कुल बेहतरीन वरायटी है जी उत्पादन इनका बढ़िया है इनकी पौधे के अलावा इनकी पेडी बहुत अच्छी है सब है इस मामले में बहुत ही बढ़िया है अच्छा तो जैसे आपने यहाँ पे यही वेरायटी तीनों जिनका नाम लिया वही कर रखे हैं यहाँ पे हाँ तीनों तो कितना टाइम हो गया आपको आपको करे हुए इन्हें ये पिछले मैं लगभग तीन वर्ष से इन वेरायटियों के ऊपर काम कर रहा हूँ जी, जी और अब की बार बड़े स्तर पर हम लोगों के पास ये वेरायटियाँ है जी जी तो बहुत अच्छा उत्पादन है और किस तरह का कोई रोग नहीं है जी इस मामले में बढ़िया वेरायटी है जी जी जैसे कि दवाइयाँ बहुत लगती हैं गन्ने में आज की डेट में अगर हमें उत्पादन ज़्यादा चाहिए और कीड़ा ना लगे बीमारियाँ ना लगे तो दवाई का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसके कंपेयर में इसमें कैसी दवाइयाँ लगती हैं इस इन वेरायटियों में बहुत कम हम लोगों ने कीटनाशक का प्रयोग किया मतलब ज़्यादा दो में तो इस कदर हम लोगों को दवाई लगानी पड़ती थी दवाई लगाने के बाद भी गन्ने में आ, मतलब इतनी इतनी बीमारियाँ थी कि हम लोग गन्ने को नहीं बचा पा रहे थे और इसमें तो हम लोगों ने मात्र दो स्प्रे हम लोगों ने किए हैं और एक हम लोगों ने कोराजन की ड्रिंकिंग भी इस वैरायटी में की है वैसे जी लेकिन आ, किस तरह का कोई रोग नहीं है इस मामले में सब वैरायटी है रोग रहित वैरायटी है तीनों अच्छा बात करते हैं इसकी स्विंग टेक्निक के बारे में मतलब बोने की जो हम बो, बोते कैसे हैं इसे थोड़ा इसके बारे में बताइए भैया हम ट्रेंस मेथड से इस गन्ने की बुआई करते हैं जैसे नॉर्मल बुआई होती है वैसे ही जी हाँ नॉर्मल बुआई से अलग हम लोग साठ इंच पांच फुट की दूरी पर गन्ने की बुआई करते हैं जी जी और ट्रंच मेथड से बुआई करते हैं खूड की गहराई लगभग एक फुट हम लोग रखते हैं और उस पे पच्ची रखने के बाद उसमें हल्का हल्की हल्की मिट्टी के मात्र दो तीन सेंटीमीटर हम लोग ढक ढक जाए जाए बस बस वो बस जी जी और आपने पानी उसका पानी दे देते हैं हम लोग जी 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 ये गन्ना स्वयं की हम लोगों का तरीका है अच्छा अभी कितने एकड़ लैंड में है आपका यहाँ पे गन्ना ये हमारे पास लगभग तेरह चौदह चौदह एकड़ हम लोगों के पास यहाँ गन्ना वेरायटी है जी जी तो चौदह एकड़ में आप मतलब टोटल यही वेरायटी लगी हुई है आपकी हाँ तीनों वेरायटी जी आ, तीनों वेरायटी ये हैं हमारे पास तेरह दो सौ पैंतीस पंद्रह जीरो तेईस और चौदह दो सौ एक और इसके अलावा थोड़ी वेरायटी हमारे पास जीरो दो सौ अड़तीस भी है तो बात करते हैं एकड़ की जी एकड़ में कितनी इसकी क्षमता है मतलब कितना निकल जाता है साल में भैया पिछले वर्ष हम लोगों ने जब इसकी कटिंग कराई थी मिल हमारे मिल प्रशासन ने कटाई कटिंग कराई थी जी तो हमारा नब्बे कुंटल प्रति बीघा का तो हमारा ये पंद्रह जीरो तेईस निकला था जी और एक सौ दस क्विंटल प्रति बीघा का हमारा तेरह दो सौ पैंतीस वेरा गन्ना निकला था जी जी चौदह दो सौ का सही सही आकलन हमारा आपकी बार होगा क्योंकि पिछली बार हम पे सिर्फ अपने बीज के लायक ही थोड़ा सा गन्ना था जी तो वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा था इसका उत्पादन हाँ बढ़िया उत्पादन की वैरायटी है कहीं ना कहीं जीरो दो सौ अड़तीस के समकक्ष वैरायटी है जी अच्छा जैसे अभी जैसे हमारी वीडियो फार्मर्स देख रहे हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के भी देख रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया में जो गन्ने की खेती करते हैं वो लोग देख रहे हैं और उन्हें भी ये बीज चाहिए अगर तो आप उनकी किस तरीके से मदद करेंगे अगर वो आपसे मिलकर थोड़ी और जानकारी क्योंकि वीडियो दस मिनट की वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते जी जी तो आप कैसे हेल्प करेंगे उनकी पहली बात तो किसान भाइयों से मैं कहता हूँ कि आप लोग आइए वेरायटी को आकर आप आकलन कीजिए देख लीजिए कि कौन सी वैरायटी आपको बहुत अच्छी लग रही है फिर उसके बाद रही बीज देने की बात ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था यहाँ धनौरा में है कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी हो जाएगी अपनी ट्रांसपोर्ट लेकर आते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आप आइए और बीज ले जाइए अब बात करते हैं पैसों की फिर इतनी ज़मीन में साल भर का कितना उत्पादन हो जाता होगा भैया ये तो आप लगा लीजिए भाई से एक सौ दस कुंटल का हम लोग गन्ने का उत्पादन हम लोग लेते हैं प्रति बीघा जी जी तो लगभग आपके वर्ष मेरे पास पिछासी बीघे गन्ना है हाँ। तो मैं तो मानता हूँ आठ हजार प्लस हम लोग गन्ने की कटिंग करेंगे आपके उत्पादन जी। लेंगे तो ये आप मिल भेजते हैं या फिर ये बीज के तौर पे जा रहा है अभी अभी तो अभी तो ये वैरायटी इतनी मात्रा में नहीं है कि मिल की सप्लाई की जाए जी अभी तो हम लोग ये सब किसान भाइयों को ये प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छा जा रहा है ऑलरेडी आप जी जी पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पूरे जिले में बहुत ही आ, माकूल रेट में बिल्कुल नॉर्मल रेट में हम लोगों ने किसान भाइयों के बीज उपलब्ध कराया था अच्छा ये देख रहा हूँ मैं ये कुछ ज़्यादा ही हाइट है इस गन्ने की ये कौन सी वेरायटी है ये वाली भैया ये पंद्रह जीरो तेईस की आप जो देख रहे हैं पंद्रह जीरो तेईस की रेटून है अच्छा पेडी है और चाहे पंद्रह जीरो तेईस है चाहे तेरह दो सौ पैंतीस है इनकी रेटून ही बहुत अच्छी है जिन्हें आप दो दो बार ले सकते हैं अच्छा दो रेटून ले सकते हैं आप तो नोलक और जो अपनी पेड़ी नोलक के बाद जो पेडी होती है जी जी आप सेकंड भी ले सकते हैं ये अच्छा, ये तीसरी बार ले सकते तीसरी बार भी करने के उत्पादन ले सकते हैं अच्छा। इस माल में बहुत ही बढ़िया किस्म है अच्छा जो आपके अभी पीछे है ये कौन सी वरायटी है ये भैया तेरह दो सौ पैंतीस वरायटी है अच्छा आजानपुर सोच संस्थान से रिलीज की हुई वरायटी है जी जी और ये बहुत कम लागत की वरायटी है बहुत कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन बहुत कम बीज इस करने की बुआई में डलता है तो कितनी लागत है थोड़ा लागत को थोड़ा और ढंग से थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को भैया लागत तो आप मान लीजिए लगभग आठ हजार रुपये बेगा और आल शुरू से आखिर तक इसकी आठ हजार रुपये बीघा पूरे सीजन में पूरे सीजन की लागत अच्छा हम लोगों की लगती है अच्छा अभी तो आप गन्ना यहाँ पे है ठीक है और जगह भी मैं देख रहा हूँ बीच में बहुत है तो मेरे को लग रहा है आपने यहाँ पे इंटर क्रॉप भी ली थी बीच में हाँ हमने सफसली के रूप में आलू की बुआई की थी हम लोगों ने सितंबर में गन्ने की बुआई करने के बाद अक्टूबर हम लोगों ने आलू की बुआई की सहफसली के रूप में जी, जी. और जनवरी में हम लोगों ने वो आलू खुदाई कर दी जी क्योंकि उस बीच में गन्ना ज्यादा ग्रोथ नहीं करता बिल्कुल भी जी आलू का हमें उत्पादन बढ़िया मिलता है और जो गन्ने में लागत आती है वो सब हमारी उसमें निकल जाती है जी जी मतलब आपका खर्चा आलू ने निकाल दिया आलू से निकल जाता हम जी जी अच्छा बहुत युवा हैं जो मतलब अपने गांव से निकलते हैं घर से निकलते हैं और बाहर जाके अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं लेकिन बाद में उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता ठीक है और फिर वो खेत की तरफ वापस जाना चाहते हैं उन्हें लगता है कि यार ये जो सौदा है ये घाटे का सौदा है खेती का ठीक है पर आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि आप एक अच्छा प्रोडक्शन भी ले रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग भी है आपके यहाँ से पर ईयर की जी. ठीक है तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो मतलब जो बेरोज़गार हैं अच्छा कोर्स करने के बाद भी उनको बेरोजगारी में उनको जॉब नहीं लग पाई तो उनको क्या आप संदेश देंगे मैं अपने ऐसे युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ खेती भी घाटे का सौदा नहीं है बसरते उसे बिल्कुल व्यापारिक नज़रिए से किया जाए और टेक्निकल तरीके से किया जाए जी जी ये नहीं कि अंधा कोई लागत लगा रहे हैं आप गन्ने में या किस तरह का एक्स्ट्रा ओवर डोज दे रहे हैं आप तरीके से बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आप खेती कीजिए खेती घाटे का सौदा नहीं मुनाफे का सौदा है तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में सोमदत्त जी जिन्होंने हमें गन्ने की नई वैरायटी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी साथ, साथ युवाओं को एक अच्छा मैसेज भी दिया मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद